नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अपर्णा मौजम, और आज हम हाजिर हैं एक बार फिर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, सबसे बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के लिए गुड न्यूज है। आम आदमी पार्टी के राहत भरी खबर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जी हाँ, ये बड़ी राहत है, क्योंकि 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल, और आज शाम तक वो जेल से बाहर आ सकते हैं। पूरी खबर क्या है, क्या कुछ हुआ अदालत में, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ काजमी भी जुड़ गए हैं। वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, और साथ ही हमारे साथ जो लीगल टेक्निकलिटीज हैं उन पर बात करने के लिए जल्दी जो कानून के एक्सपर्ट है वो भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले अशरफ से पूरी खबर जान लेते हैं। अशरफ, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अशरफ जरा बताएं। देखिए अपर्णा, आज फिर सुनवाई हुई और कई दिन से इस पे सुनवाई चल रही थी। वो लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार अब जमानत की मांग कर रहे थे, और कभी वो स्वास्थ्य कारणों के ऊपर और कभी इलेक्शन को, क्योंकि मेन जो है वो इलेक्शन है। और अब क्योंकि 25 मई को दिल्ली में इलेक्शन होना, तो उससे पहले केजरीवाल को बाहर आना बहुत जरूरी था उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी तक जो उनकी पूरे प्रचार की कमान थी वो या तो पार्टी के नेता या अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल संभाल रही थी, और इसी वजह से वो लोग प्रेशर में थे कि हम किसी भी तरह से दिल्ली के लोगों के बीच पहुंचे। जय केजरीवाल अपने ऊपर जो बात हो रही थी, जिन्हें वो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें गलत फंसाया गया, वो सब बातें जनता के बीच में रखना चाहते हैं। अभी तक ये बातें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल रोड शो के जरिए, सभाओं के जरिए रख रही थी, लेकिन आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत दे दी है, क्योंकि 25 तारीख को यहाँ दिल्ली में मतदान होना है और अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे। तो ये है साफ कि वो अब प्रचार दिल्ली में भी करेंगे और उसके अलावा पंजाब में भी करेंगे, जहां पे अभी वहां पे भी कुछ सीटों पे होना, और दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वो जनता के बीच में जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो केंद्र सरकार है, भाजपा है, उसके ऊपर वो फिर दोबारा राजनीतिक रूप से हमला करेंगे कि कैसे मेरे ऊपर ज्यादती की जा रही थी, एक फर्जी केस जिसे बताया जा रहा है लगातार, जिसमें कह रहे थे कि एक फर्जी केस है, कहीं कोई सबूत नहीं है, सिर्फ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें अंदर फंसाया गया। तो अब वो इस बातों को जनता के बीच में रखेंगे कि बताएंगे कि हमें बिना सबूत के, बिना किसी आधार के 40 दिन तक मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया, और इसी वजह से आप ये कह रहे हैं कि न सिर्फ बाहर रहेंगे जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में शामिल होंगे, बल्कि वो तमाम तरह का जो भाषण है, जिस तरह के अटैकिंग मोड में वो नजर आते हैं, वो उनका अटैकिंग मोड देखने को मिलेगा, उस पर कोई भी लिमिट नहीं होगी, कोई भी रोक नहीं होगी। देखिए अपर्णा, ये तो थोड़ा सा अभी कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे गाऊंगा, बारीकी से पढ़ने पर ही पता चलेगा कि कहां कहां उन्होंने रोक है। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, चुनाव आयोग भी है, तो भाषा की मर्यादा तो आपको रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, भले ही कोर्ट कहे ना कहे, लेकिन चुनाव आयोग तो है, आप एक राजनीतिक दल है, आप चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर रखे, आप भाषा की मर्यादा को रखेंगी तो वो जाहिर सी बात है तो उनके ऊपर भी लागू होगी। तो हाँ, लेकिन ये है कि वो अपनी बात पूरी कर सकेंगे। अभी तक आपने देखा होगा पढ़ना, जितनी जो उनकी एक संयुक्त बैठक यहाँ पर सभा की गई थी, जिसमें केजरीवाल की पत्नी और तमाम इंडिया अलायंस के बैठक के घटक दल के लोग आए थे, तो उसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखा रखा था तस्वीरों में। तो अब उम्मीद करते हैं कि वो कोर्ट के फैसले का जिक्र किया कि कोर्ट के फैसले को पढ़ना होगा कि उसमें किस तरह की उन्हें जब अंतरिम जमानत दी गई तो क्या कुछ शर्तें हैं। हमारे साथ सत्यम पांडे भी जुड़ रहे हैं, उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सत्यम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और क्योंकि आप वकालत के दाव पे बखूबी जानते हैं, तो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को, जो उसकी लीगैलिटीज हैं, टेक्निकलिटीज हैं, वो आप बखूबी समझा पाएंगे, जरा बता दीजिए। इनको आज के दिन में अंतरिम जमानत मिल जाएगी, ऐसा इशारा हमें 3 मई को ही मिल गया था, क्योंकि कोर्ट ने लगभग ये क्लियर कर दिया गया था कि वो इंटरिम बेल पे इन्हें सुनने जा रहे हैं। ईडी की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि इनको डिटेल में सुना गया है तो हमें भी थोड़ा टाइम दिया जाए। आज इस पे बहस चल रही थी, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने अमृतपाल सिंह के केस का हवाला दिया कि जिस तरीके से अमृतपाल सिंह को इजाजत नहीं दी गई चुनाव लड़ने की,
और बेल नहीं दी गई चुनाव लड़ने के नाम पे, इन्हें भी ना दिया जाए। और उन्होंने कहा कि जो कि ये खुद चुनाव नहीं लड़ रहे और चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं, इसलिए इनको जमानत का कोई अधिकार नहीं बनता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हमारे जजेस जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस बात के लिए निश्चित थी कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला है, बहुत ही गंभीर विषय है, और जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर इसमें इनको नहीं मिलता है तो एक बहुत ही क्रूशियल टाइम जो है दिल्ली के लोगों के लिए खराब होगा। तो उन्होंने 1 जून तक इनको अंतरिम राहत दी है, 2 जून को इनको जो है वो कहा है कि 2 जून को इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अभी हमें डिटेल्ड आर्डर का इंतजार करना पड़ेगा, शाम तक अपलोड होगा कि क्या क्या रीजनिंग कोर्ट ने इनको दी है। 1 हफ्ते के अंदर इसमें पूरी जो कार्यवाही है वो कंक्लूड हो जाएगी। मैं यहाँ एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि ये अभी जो प्रोसीडिंग्स चल रही है ये इनकी बेल की प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है, बल्कि जो ईडी ने अरेस्ट की है, अरेस्ट की ही लीगलिटी अभी चेक की जा रही है कि वेदर दैट वेरी अरेस्ट इज लीगल और इललीगल, बिकॉज ओनली आफ्टर 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल 2 साल बीत चुके हैं तब ईडी ने ये अरेस्ट करी है, वो भी ऐसे स्टेटमेंट पे जिस आदमी ने 9 बयानों में कुछ और कहा और 10वें बयान पे। तो यू कांट पिक एंड चूज द स्टेटमेंट ऑफ समवन दैट यू आर नॉट रिलाइंग ऑन 9 स्टेटमेंट्स एंड द 10th स्टेटमेंट यू आर अरेस्टिंग समवन। तो ये भी एक देखने की बात है। कोर्ट ने कहा कि ये मतलब नहीं होता कि स्टेटमेंट वर्दी है कि नहीं वर्दी है, कि क्या फेवरेबल जो है उनके, आप जो है उसको नहीं कर रहे, जो उनके फेवर नहीं करते आप उस स्टेटमेंट पे रिलाई कर रहे हो। लेकिन अभी कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है, ये इंटरिम है और 1 जून तक ही है, बाकी आगे भी तो लंबी है। अरेस्ट लीगल है या इलीगल है उस पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दी गई है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, ये बेल की सुनवाई नहीं चल रही, ये अरेस्ट पे ही, अभी अरेस्ट की लीगलिटी पे क्वेश्चनिंग हुआ है और इसमें इंटरिम प्रोटेक्शन इन्हें आज मिली है। अच्छा, और एक और बात, क्योंकि जिस तरह से हम अशरफ और हम जिक्र भी कर रहे थे कि दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा में, पंजाब में भी वोटिंग होनी है, तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल ट्रैवल भी कर पाएंगे? हाँ जी, उनके ट्रेवलिंग पे कोई रोक नहीं है, उनके ट्रेवलिंग पे रोक नहीं है, रोक जो लगी है वो कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। मतलब बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ही कैन नॉट डू एनी ऑफिशियल वर्क, ही विल नॉट साइन एनी फाइल। हाँ जी, लेकिन उनको प्रचार करने की पूरी छूट मिली हुई है, मुख्यमंत्री की हैसियत से वो कोई सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, कोई वादा या कोई ऐलान नहीं कर पाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, वो कुछ भी जो है जो ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल वर्क वो नहीं कर पाएंगे। सत्यम आप बने रहिए हमारे साथ, अशरफ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, तो कह सकते हैं गर्मी जो बढ़ रही है, अब पॉलिटिकल गर्मी भी बढ़ जाएगी दिल्ली में और आसपास? बिल्कुल अपर्णा, ये देखिए जो अभी वकील साहब बता रहे थे, ये आम आदमी पार्टी शुरू से इसी की बात कर रही थी कि साहब 1.5 साल पुराना केस, ईडी को इनको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं। तो यही सब बातें लगातार राजनीतिक रूप से अलग अलग मंचों से की गई और आज इसको जो कोर्ट के सामने रखा गया और कोर्ट ने भी इनको एक तरह से मान लिया, तभी इनको अंतरिम जमानत दी गई। तो ये जो राजनीतिक पारा है इसका और ज्यादा चढ़ेगा। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी जो है दिल्ली में मतदान जो है 25 मई तक है और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है अरविंद केजरीवाल के लिए। वो अपनी बात अभी तक वो जो उनके वो खुद या उनके सहयोगी जो थे वो अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे पोस्टर में दिखाते थे और फिर उनकी बात रखते थे। अब अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर हैं तो वो अपनी बात पूरी रखेंगे, अब वो सलाखों के पीछे के पोस्टर नहीं होगा, खुद रखेंगे और बहुत आक्रमकता से रखेंगे और तमाम उनके सहयोगी, उसमें उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो भी बहुत आक्रमकता से वो अपनी बात रखेगी क्योंकि वो भी आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारकों में शामिल है। तो ये सिर्फ दिल्ली ही में नहीं, अब बाहर भी प्रचार करेंगे और बताएंगे कि कैसे केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो आरोप लगा रहे थे वो अब अलग अलग राजनीतिक मंचों से उस बात को दोहराया जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि देखिए सरकार ने हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है और कोर्ट ने हमें अंतरिम जमानत दी है और चुनाव के समय, क्योंकि उनको जैसा भी वकील साहब भी बता रहे थे कि कोर्ट ने भी उनको 5 साल में होता है एक बार चुनाव है, तो चुनाव के दृष्टिकोण उनको दे, तो ये बात भी वो खुद और उनके सहयोगी जितने राजनीतिक उनके जो पदाधिकारी हो या मंत्री हो वो बात भी रखेंगे और केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं गवाएंगे। और कुल मिला के ये है कि वो जनता के बीच में जाकर ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो भी अभी तक मेरे साथ हुआ है वो कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है, उसकी कहीं कोई मान्यता नहीं है, केंद्र सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको उनकी मनमानी पर एक तरह से रोक लगा दी। इस तरह की वो बात राजनीतिक रूप से मंचों पर कहेंगे तो आम आदमी पार्टी को
एक ये बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल को, राहत है कि अपनी बात वो अब जनता के बीच में सीधे जाके कर पाई है। चुनाव से पहले ये बड़ा पुश मिलेगा आम आदमी पार्टी की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है उसको लेकर, क्योंकि जब वो ग्राउंड पर जाएंगे वो तिहाड़ जेल में किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा उसको वो शेयर करेंगे, और जाहिर तौर पर अपनी पत्नी का प्रचार करेंगे तो वो जो मानवीय पहलू है उसके साथ भी वो जनता तक पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। सत्यम जी आपसे मैं एक और चीज समझना चाहूंगी, जाहिर तौर पर काफी क्योंकि एग्रेसिव कैंपेनिंग हर तरफ से हम देख रहे हैं इलेक्शन से एंड पहले जो कितने भी दिन बाहर रहेंगे अरविंद केजरीवाल, तो उनकी कोशिश होगी लोगों से कनेक्ट करने की हर ग्राउंड पर। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा इश्यू बना दिया था जेल के अंदर कि उन्हें इंसुलिन नहीं मिल रही है, तमाम चीजें हो रही है, तो क्या अपना एक्सपीरियंस हर तरह का एक्सपीरियंस वो शेयर कर पाएंगे? लीगली उसके बाउंड नहीं होंगे वो? सतन जी आप हमें सुन पाए? हाँ जी सुन पा रहा हूँ, बताइए जी। जो एक और चीज मैं समझना चाहूंगी आपसे कि यानी कि चुनाव प्रचार हर तरह का कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल, और दूसरी एक और चीज कि किस ग्राउंड पर कोर्ट ने पाया कि ईडी की दलील के आगे अरविंद केजरीवाल पक्ष की दलीलें मजबूत है इसलिए उन्हें बाहर जाने दिया जाए? ये देखिए अभी जैसा कि मैंने कहा कि कंक्लूसिव नहीं है, यह एक इंटरिम रिलीफ है, इंटरिम रिलीफ है जिसमें इंडिविजुअल लिबर्टी को ज्यादा मायने दिए गए हैं। अगर एक बार डेढ़ साल तक केस चल रहा था, डेढ़ साल तक उनकी अरेस्ट नहीं हुई, और अभी 21 दिन में ये जो भी मामला है इसमें कुछ ज्यादा नहीं बनता है, और ये चुनाव चुकी जैसे कि स्टेट इस बात पर था कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, एक बार ये मौका है इसको लेके, और ईडी ने जो इलीगलिटी बताई है अभी 29 तारीख को 5 सवाल पूछे थे कोर्ट ने ईडी से कि डेढ़ साल का आपने बाद किया जबकि सेक्शन के हिसाब से आपको 1 साल के अंदर बाकी लोगों को करना होता है, इसमें चार्जशीट देनी होती है, और इनके तरफ से कहा गया सिंघवी साहब ने बहस करी कि हमने डिटेल रिप्लाई करी थी, सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये दिल्ली के लोगों का मामला है, एक मुख्यमंत्री का हम केस देख रहे हैं, तो इन्हें इंटरिम रिलीफ दी गई है। अभी कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट इस पे इनको नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात तो कोर्ट ने आज आ जाएंगे, आज मतलब जैसे कि जो प्रोसीजर होता है कि कोर्ट रिलीज ऑर्डर बनेंगे, रिलीज ऑर्डर 30,000 ये तिहाड़ जेल में जाएंगे, तिहाड़ जेल में सारी उसके पेपर्स की जांच होगी और सब कुछ सही होके उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जेल में शाम को कैदी छूटना शुरू होते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं शाम 6 से 8 बजे के बीच जो है केजरीवाल जी बाहर होंगे। और अगर हम कहें कि रिलीज से पहले की पेपर फॉर्मेलिटीज क्या होती है, क्योंकि अक्सर देखा कि पेपर नहीं पहुंच पाते हैं, डिले हो जाता है बाहर आना। अब इतना हाईलाइटेड मैटर है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, पेपर जल्दी पहुंचेंगे। हमने तो ये भी देखा स्पेशल केस में जल्दी कागज पहुंच जाते हैं और जल्दी रिलीज भी हो जाती है, लेकिन अगर ड्यू प्रोसीजर भी फॉलो करेंगे तो फिर भी जो छूटने का टाइम है 5-6 बजे से, उस समय से कैदी छूटना शुरू हो जाते हैं और ये फैक्स के थ्रू चला गया होगा तो ये छूट जाएंगे, आज ही बाहर आ जाएंगे। जी ठीक है सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ये लीगल एस्पेक्ट को समझाने के लिए आसान शब्दों में, धन्यवाद आपका जी। तो अशोक बाबा, हम बात करें अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले जो अब 3 चरण हो चुके हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि बयानबाजी भी और तेज होती जा रही है, तो कह सकते हैं कि अब ये पूरा माहौल दिल्ली के लिहाज से और आसपास हरियाणा पंजाब के लिहाज से तो और गर्माने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अपर्णा, और इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, जैसे ही वो जेल से रिहा होंगे यानी जेल से बाहर आते हैं जमानत पर, तो आप देखिएगा कि उनको लेने के लिए कितना बड़ा हुजूम, कितने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद होंगे, और वो बाहर जब आएंगे तो एक विजेता के रूप में उनको दिखाया जाएगा, एक लंबा रोड शो होगा, लंबा स्वागत जुलूस होगा, तो उससे आप अंदाजा लगा सकती है कि वो जैसे ही बाहर आएंगे तो तमाम उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनके जो सहयोगी है, वो सब होंगे और एक बड़ा जुलूस आपको देखने को मिलेगा, और यही से शुरुआत उनकी चुनाव की सरगर्मियों में शामिल होने की हो जाएगी, क्योंकि जब से चुनाव शुरू हुआ है तकरीबन वो तभी से करीब 40 दिन से अंदर है, जेल के अंदर है, अब वो बाहर आएंगे तो वो एक तरह से अब खुद चुनाव की सरगर्मियों में शामिल होंगे, और उनका ये आज पहला दिन रहेगा कि जब वो
बाहर जनता के बीच में खुली सड़क पर रहेंगे और एक तरह से रोड शो होगा, स्वागत जुलूस होगा, खूब जश्न होगा, ढोल होंगे, नगाड़े होंगे, सब आपको मिलेगा और इसका असर दिल्ली पर भी होगा और आसपास, जैसे कि पंजाब में सरकार है तो वहां पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, हरियाणा पर। तो यहाँ दोनों जगह पर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का असर ज्यादा पड़ेगा दिल्ली के साथ साथ, क्योंकि चुनाव है और फिर यहाँ पर पंजाब में तो उनकी दिल्ली की तरह सरकार भी है, तो आप ये मान के चलिए कि भगवत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री वो भी यहाँ शाम तक या देर रात तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्वागत तिहाड़ के गेट पे जरूर करेंगे, उनके साथ होंगे, क्योंकि जितने भी मौके हुए हैं भगवत सिंह मान हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ रहेंगे, वो चाहे वो जेल जाने से पहले की बात हो या कोई बड़ी मीटिंग हो तो वो उनकी गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल हो उनके साथ रहे, और आज जब वो तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे तो उम्मीद की जाती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान भी रहेंगे और एक बड़ा जश्न, एक बड़ा जुलूस और एक बड़ा रोड शो, जिसे भी जो भी आप नाम देना चाहें, वो होगा और कार्यकर्ता पूरी तरह से जश्न में डूब रहे। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन भी ये उम्मीद कर रहा होगा कि उसे मजबूती मिलेगी और वोट कैसे का काम कर पाएंगे फिलहाल जब जितने भी दिन बाहर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अब बिल्कुल देखिए, वो जो अभी यहाँ वकील साहब तपन जो बता रहे थे कि सरकार कोर्ट ने उनको माना है कि आप पांच साल में एक बार होता है तो उनको क्योंकि मुख्यमंत्री है तो इनका प्रचार में होना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं यही बातें वो कहेंगे कि देखिए केंद्र सरकार गलत कर रही थी, उनकी एजेंसियां गलत कर रही थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने हमारे साथ न्याय किया, हालांकि ये अभी अंतरिम जमानत है, तो वो इस चीज को जरूर भुनाएंगे और उसका मौका केंद्र सरकार पर हमला करने का नहीं गवाएंगे, और साथ साथ जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी वो तारीफ भी करेंगे कि कैसे सरकार के न्यायालय ने उनके साथ न्याय किया है, जिसकी वो लगातार दुहाई दे रहे थे कि हमें कोर्ट पर भरोसा है और न्याय होगा, यही बातें वो जनता के बीच में भी रखेंगे और इन्हीं के जरिए वो पूरा जो इंडिया अलायंस गठबंधन है उसके ऊपर हमलावर होंगे और उसके जरिए केंद्र सरकार पर हमलावर, क्योंकि इसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री उनको भी अंदर कर रखा था, उन्होंने तो हालांकि अपना इस्तीफा दे दिया और उनकी पत्नी झारखंड के मुख्यमंत्री की रही है, वो अब उनकी जगह काम कर उनके उनके दूसरे सहयोगी पत्नी माफ कीजिए पत्नी झारखंड जेएमएम के दूसरे उनके सहयोगी है वो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था, तो ये बात भी कही जाएगी कि देखिए कि सिर्फ जो है केंद्र सरकार इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल हैं या गठबंधन के सहयोगी हैं उन्हीं पर वो निशाना साध रहे हैं, जबकि जो एनडीए के सहयोगी है एजेंसीज उनके खिलाफ कोई काम नहीं करती हैं, वो इस तरह की बातें राजनीतिक रूप से करेंगे और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं बाकी के जो चार बचे हुए चरण हैं अभी चुनाव के उसमें परेशान करने का काम करेंगे, घेरने का काम करेंगे। अपर्णा अशोक बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, और आम आदमी पार्टी को जिस किस तरह से बूस्ट मिलेगा, कितना फायदा वो उठा पाएगा, एक देखना दिलचस्पी रहेगा, और आप देखते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आते तो किस तरह का शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिलता है। बहुत धन्यवाद आपका चर्चा के लिए। धन्यवाद।